ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 18.2 का ही जो पार्ट टू वीडियो है, जिसमें हम जो है वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन को स्टडी करेंगे, उसको हम जो है वो अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो प्रीवियसली हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन देखी, जिसमें हमने ऑब्जर्व क्या किया था कि जैसे ही हमें इनपुट वोल्टेज में एसी सप्लाई मिलती है तो सिर्फ इसकी हाफ साइकिल ही जो है वो क्या होती है, डीसी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो इसको हमने जो है वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का नाम दिया था। लेकिन अब अगर हमारी जो नेगेटिव साइकिल है वो भी रेक्टिफाई हो के हमें डीसी वोल्टेज दे दे, तो इसमें हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस करवाएंगे, तो ऐसी रेक्टिफिकेशन को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन का। अब इसको समझना ज़रूरी है कि कैसे पॉसिबल है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वजह से हमें आउटपुट में डीसी सप्लाई मिल जाए। तो इसके लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं ब्रिज सर्किट को। ठीक है, सबसे पहले हम जो है वो कंसीडर कर लेते हैं इसको फिगर ए को। ठीक है, देन हम डिस्कस करेंगे फिगर बी को। सो जैसे ही हमने एसी वोल्टेज सप्लाई किया तो क्या होगा, इस साइकिल के दो पार्ट्स होते हैं। फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल इसके लिए हम फिगर ए लेंगे और फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल हम फिगर बी लेंगे। सो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमने ये जो है वो कंसिडर कर लिया है। यहाँ पे इसको आप नाम दे दें, लेट्स से कि ये एम है और ये एन पॉइंट है, तो एम पे पॉजिटिव है और एन जो है वो नेगेटिव पे है। ठीक है, इस टाइम अब होगा क्या, इस ब्रिज सर्किट में हमने चार डायोड्स लगाए हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे के अगेंस्ट। दिस इज़ डी वन, दिस इज़ डी टू, डी थ्री एंड डी फोर। ये चार तरह के डायोड्स हमने लगाए हुए हैं और एक सर्किट बना दिए जिसको हम ब्रिज सर्किट का नाम देते हैं। इसको इजी वे में याद रखने का तरीका ये है कि जो बिल्कुल आपके ये वाले होंगे उनके डायोड्स लगाने की डायरेक्शन एक जैसी है, और जो इस तरह की साइड्स हैं उन पर डायोड एडजस्ट करने की डायरेक्शन इस तरह से एक जैसी हमने दी हुई है। सो फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब पीछे से हम यहाँ से पॉजिटिव हाफ साइकिल ये वाली प्रोवाइड करेंगे, दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव। तो क्या होगा, सबसे पहले तो करंट हमारा यहाँ पे आएगा, इसको दो वेज मिल रहे हैं। अब ये अगर इसको देखें तो पॉजिटिव कनेक्ट है। अब पॉजिटिव अगर पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा तो D1 में तो हो जाएगी फॉरवर्ड बायसिंग, लेकिन अगर ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो तो रिवर्स बायस होगा, मतलब करंट पास नहीं करेगा। इट मींस कि करंट कहाँ से पास करेगा, सबसे पहले तो करंट आपका पास करेगा इस D1 में से, और D1 में से पास करता हुआ अगेन यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा, तो इसे दो रास्ते मिलेंगे, एक ये और एक ये। अब गौर करें, ये वाला जो डायोड है इसका पॉजिटिव कनेक्ट है नेगेटिव के साथ, और इसका पॉजिटिव कनेक्ट है इसका सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव कनेक्ट हुआ हुआ है नेगेटिव के साथ, और नेगेटिव कनेक्ट है पॉजिटिव के साथ, मतलब ये भी रिवर्स बायस होगा। तो हमारा यहाँ से आने वाला करंट इसमें से पास नहीं करेगा रिवर्स बायस की वजह से, वो यूं आउटर सर्किट में से पास करेगा और रेजिस्टर से होता हुआ कहाँ पे चला जाएगा, ये इस पॉइंट पे आ जाएगा। जैसे ही अब ये इस पॉइंट के ऊपर आया तो अब क्या ऑब्जर्व करेंगे, अगेन ये वाले इन तीन की तो हमने फंक्शनिंग डिस्कस कर ली, ये वाला क्या है, नेगेटिव नेगेटिव से अटैच है और पॉजिटिव यहाँ से पॉजिटिव से अटैच हुआ हुआ है, मीन्स इसमें से करंट पास करेगा, यूँ करंट जाएगा और वापस यूँ अपने लूप को कंप्लीट कर लेगा। तो इसकी वजह से हमें जो है वो एक पूरा लूप कंप्लीट हो गया। ठीक है, रेजिस्टर आर के क्रॉस हमें वोल्टेज भी डिवेलप होता हुआ नज़र आएगा और हमें फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये वाला डीसी वोल्टेज मिल जाएगा। अब बी वाले को समझने के लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल को समझने के लिए अब हमने ये पार्ट कंसिडर करने, इसमें क्या हुआ कि जो हमारा एम और एन पॉइंट था उनकी जो पोलैरिटी थी वो रिवर्स हो गई। ठीक है, एम नेगेटिव और एन पॉजिटिव हो गया। अब देखते हैं क्या फंक्शनिंग होगी। अब यहाँ से अगर देखें तो करंट यहाँ पे सॉरी इसको हम यूँ ले लेते हैं कि करंट अब हमारा पॉजिटिव से फ्लो करता हुआ यूँ गया और इसने यहाँ पे एंटर होना है, तो अब ये पहले किस में जाएगा। अब देखें तो पॉजिटिव यहाँ से नेगेटिव के साथ कनेक्ट है और ये पॉजिटिव यहाँ से नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, मतलब D3 में तो हो गई रिवर्स बायसिंग। लेकिन D2 को देखें तो पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट है, मतलब करंट इसमें से पास करेगा और फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगी। अब करंट पहुँचा इस पॉइंट पर, जैसे ये इस पॉइंट पे आया तो अगेन देखें ये पॉजिटिव नेगेटिव से और ये नेगेटिव यहाँ से पॉजिटिव से अटैच है, मतलब इस डायोड में भी रिवर्स बायसिंग होगी, तो करंट यहाँ से पास नहीं करेगा और बल्कि यूँ
आर के क्रॉस जो है वो पास करता हुआ कहाँ पे आ जाएगा, यू मूव करता हुआ इस पॉइंट पे आ जाएगा। इस पॉइंट पे आके ये यहाँ इसमें एंटर होगा डी फोर में, क्यों? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है और पॉजिटिव हमारा पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, और ऐसे इधर से मूव करता हुआ ये अपने लूप को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल की वजह से भी हमारे डायोड ने कंडक्ट किया और हमें यहाँ पे डीसी वोल्टेज मिल गया। नाउ पॉइंट टू नोट डेट कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल ली थी तो हमारा D1 और D3 डायोड ने कनेक्ट किया था, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए D2 एंड D4 डायोड ने क्या किया है, कंडक्शन शो की है। तो इन दोनों की वजह से हमें आउटपुट में जो है वो DC वोल्टेज मिल जाता है, और इस तरह की रेक्टिफिकेशन को हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स की जो हमारे पास DC वोल्टेज आया है ना, ये कॉन्टीन्यूसली वेरिंग है, कॉन्टीन्यूसली वेरिंग है। अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है कांस्टेंट डीसी में, ठीक है, या ये कह सकते हैं पल्सेटिंग डीसी है, हमें इसे कन्वर्ट करना है अगर कांस्टेंट डीसी में, विच इज़ लाइक डैट, तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने सर्किट में इस लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में हमें जो है वो लगाने पड़ते हैं कैपेसिटर और इंडक्टर के सर्किट्स को। ठीक है, तो वो फिल्टर सर्किट मिलके क्या करता है, हमारे इस कॉन्टीन्यूसली वेरिंग डीसी को कॉन्स्टेंट डीसी में कन्वर्ट करवा देता है। सो ये था हमारा टॉपिक फुल वेव रेक्टिफिकेशन।